नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपनी चैनल फैंटेसी दुनिया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इन डेप्थ में एनालिसिस करेंगे मिडलैक्स यूनाइटेड स्टार्स वर्सेस मिडलैक्स टाइटंस के बीच जो होगा जमैका टी10 का आज का दिन का सेकेंड मैच। दोस्तों, वीडियो में दोनों ही टीम के बारे में प्रॉपर एनालिसिस मिलेगा आपको। रैन लीग के डिफेंशियल पिक्स प्लस मौलिक का मस्ट पिक, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके सिलेक्शन बहुत लेस है क्योंकि दोनों टीम ने सिर्फ एक एक मैच खेल के आ रहा है, तो उनके बारे में समझना और उनको अपनी टीम में रखना इम्पॉर्टेंट रहेगा। गाइस, आप अगर वीडियो अच्छे से ध्यान से अंत तक देखोगे तो एक बेटर टीम खुद आप अपने से क्रिएट कर पाओगे। बट स्टिल मैं इस मैच के रिलेटेड कुछ भी और अपडेट हुआ, नेक्स्ट मैचेस के कवरेजेस वगैरह हुआ तो वो शेयर करूंगा आपके साथ टेलीग्राम चैनल। गाइस, आपको जुड़ना है टेलीग्राम, जिसका लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में। लिंक में आपको प्रेस करना है और रिडेट होना है टेलीग्राम चैनल। गाइस, आते हैं इस मैच के एनालिसिस पॉइंट में। यूनाइटेड स्टार्स वर्सेस टाइटंस के बीच होगा ये मैच, दिन का सेकेंड मैच है, 12 बजे स्टार्ट होगा, 90 रन के आसपास एवरेज स्कोर इस ग्राउंड में। पूरा टूर्नामेंट सेम ग्राउंड पे यूज होगा। देखो, 80-90 एवरेज स्कोर है, एवरेज स्कोर तो ये लास्ट सीजन के मैचेस भी काउंट हुए हैं, बट करंट सीजन में अब तक जितने भी मैचेस हुए हैं ना गाइस, एकदम से दोस्तों यहाँ पे ना हम लोग ने नोटिस किया है कि रन नहीं बन रहा है, बहुत ही कम रन बन रहा है दोस्तों, और सिंगल डिजिट में ज़्यादातर प्लेयर्स के स्कोर्स नहीं आ रहे। तो इसको देखते हुए ना हमें थोड़ा सा बॉलर ज़्यादा लेना है। अब तक चेजिंग हुआ है चारों मैच में, बट मैं आपको बता रहा हूँ क्लियर कट, चारों मैच वन साइडेड था। ये भी मैच आइडियली वन साइडेड होगा क्योंकि पूरा टूर्नामेंट में मुझे ना 2 से 3 ही टीम दिख रहा है जो स्ट्रांग है, बाकी टीम बहुत ही ज़्यादा वीक है। और वन साइडेड मैचेस में डेफिनेटली जो स्ट्रांगर टीम है उन्होंने बॉलिंग फर्स्ट किया और उन्होंने हर बार विन किया। लेट्स सी इस बार क्या होते हैं। दोस्तों, अगर देखोगे ये लास्ट मैच हार के आ रहा है दोस्तों, कौन, यूनाइटेड स्टार्स के प्लेयर प्रोबेबल टॉप ऑर्डर में, इनसे कराएगा एस विल्सन ओपन शशन एंडरसन के साथ। अब ये जो एस एंडरसन है ना, ये विकी करेंगे अगर इनका फील्डिंग फर्स्ट चॉइस टीम का, क्योंकि अब तक विकेट बहुत ज़्यादा गिरा है तो ये विकी से कुछ पॉइंट्स आपको दे सकते हैं, तो इनका फील्डिंग फर्स्ट में ट्राई करना है, फील्डिंग सेकेंड नहीं लेना है, ठीक है। और डी स्वेल आपके लिए मस्ट पिक बनता है दोस्तों, 2 विकेट भी था और 1 डाउन बैटिंग भी करेगा, कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हो, बट विकेट टीम से बिलोंग कर रहे हो। तो दोस्तों, अगर इस टीम का बॉलिंग फर्स्ट इनिंग्स में हो जाता है, ये टीम अगर बॉलिंग फर्स्ट इनिंग्स में करते हैं तो स्वेल को कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। ग्रिफिथ्स को इग्नोर करेंगे, जी रेस सिर्फ बैटिंग से पॉइंट देगा, प्लेयर अच्छा है बट जो बैटिंग ऑर्डर है वो टी10 के लिए सुइटेबल नहीं है। मैं नीचे रिकॉर्ड बताऊंगा, करंट रिकॉर्ड भी इनका बहुत अच्छा है। मिल्टन बाइंस बैटिंग का 1/24 का 9 खेला था, बट इनका जो बैटिंग ऑर्डर है थोड़ा सा नीचे है टी10 के रिस्पेक्ट में। देखो, हर मैच में शायद इनको ज़्यादा बॉल फेस करने को ना मिले, टॉप ऑर्डर देखो रन बनाएगा ऐसा तो नहीं होगा, बट वो अगर स्लो भी खेल गया ना तो इनका बॉल ज़्यादा फेस करने को मौका नहीं मिलेगा, तो मुश्किल होता है दोस्तों आफ्टर पॉपले। और ऊपर से यहाँ पे इस ट्रैक में अभी जितने विकेट्स गिर रहे हैं ना गुच्छे में, जैसे कि रन बन रहा है इतना कम, तो ऐसे में तो मैं इन प्लेयर्स को ट्राई नहीं करने वाला हूँ अननेसेसरी एक बैटिंग सेक्शन से। अमोई कैम्बेल, इन्होंने 15 रन किया फिर 1.3 ओवर में 15 रन देते हुए दोस्तों 1 विकेट भी निकाला, तो ये बंदा इंपॉर्टेंट लगता है, टीम में रखना जरूरी है। रॉक्सन हेनरी ने दोस्तों 2 ओवर 21 पे 1 विकेट निकाले हैं, चाहो तो ट्राई कर सकते हो। शेल्डन प्राइस, अब मैं क्या चाहूँगा ना, देखो अगर बॉलिंग फर्स्ट होता है तो इनके 2 ओवर वाले बॉलर एटलीस्ट ड्रीम 11 जो न्यू फॉर्मेट है उसके हिसाब से तो ढाल के लेंगे सब बॉलर जो सही भी है। तो दोस्तों शेल्डन प्राइस, आर हेनरी, कैम्बेल तीनों रहेगा, स्वेल तो बहुत कंडीशन रहेंगे, बट अगर ही टीम बैटिंग फर्स्ट कर लेता है ना तो मैं स्वेल और कैम्बेल के साथ जाऊँगा, शायद मैं हेनरी और शेल्डन प्राइस के साथ रिस्क लूँ, क्योंकि देखो आप अगर आप ओल्ड फॉर्मेट फैंटेसी खेल लो वहाँ पे दोस्तों आप इतने सारे बॉलर नहीं रख पाओगे, 4-3-4-5 ही रख पाओगे, तो उसमें ऑलराउंडर आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को मैं रखूंगा जिन्होंने विकेट निकाला है, अच्छा बॉलिंग किया है, उनमें से अमोई कैम्बेल, डी स्वेल मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगे इस टीम से। ऐसे भी हमें बैटिंग सेक्शन से कुछ प्लेयर लेना पड़ेगा तो उसमें जीरे मिल्टन माइल्स ट्राई कर सकते हो। मेरे हिसाब से रे को ऊपर आना चाहिए, शशि एंडरसन को नीचे जाना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। इवन इनका भी कोई काम नहीं है टॉप ऑर्डर में, लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा फ्लॉप था। ओपनिंग बॉलिंग एस प्राइस, अमोय और दोस्तों डी स्वेल, डेथ में अमोय, आर हेनरी और डी स्वेल करते हुए दिखेंगे। ये सीरीज से पहले के रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पे दिखेगा, शशन हेनरी ने लास्ट सीजन में 5 मैच में केवल 38 रन बनाया था, कुछ खास ज़्यादा क्या नहीं था। जावेद विलियम्स का हालत कुछ ख़राब है और इनका सबसे ज़्यादा दोस्तों हालत ख़राब है एस विल्सन, मुझे नहीं लगता इनको ओपन आना चाहिए। जी रे ने डोमेस्टिक में 5 मैच में 116 बनाया था, डिसेंट खेल के आ रहे। संजय वाकर अगर खेलता है तो बैट बॉल दोनों कर सकते हैं, बट डोमेस्टिक टी20 में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, फर्स्ट क्लास में ज़्यादा अच्छा खेला बंदा। आर फ्रांसिस का कुछ ऐसा था, अमोई कैम्बेल लास्ट सीजन में बॉलिंग नहीं डाले थे, अभी करंट सीजन में पहला ही मैच में बॉलिंग डाला, तो ये दोस्तों आइडियल ऑलराउंडर या फिर बॉलर नहीं है, ठीक है, ये बैट्समैन है, बैट्समैन बैटिंग भी बहुत अच्छा नहीं किया था। इनफैक्ट टियान जेरेट ने 1/4 ओवर में 2 विकेट डोमेस्टिक टी20 में, एंथोनी मैकलिन ने 4 मैच में 4 ओवर डाला फिर विकेट लेस, एंथोनी मैकलिन
डोमेस्टिक T20 जो जमैका T20 है ना उसका मैं बात कर रहा हूँ, ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब बड़े लेवल में T20 या फिर T10 नहीं खेले। दमानी सुहेल 11 T10 मैच में ना 16 ओवर में 5 विकेट निकाला, ये रहा 0-0-0-1-1। डिसेंट सा ऑप्शन है, चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो दमानी सुहेल को, वो एस कैप्टेंसी टीम में रखना बनता है, मस्ट पिक है, बट कैप्टन वाइस कैप्टन मैं मानता हूँ अगर बॉलिंग फर्स्ट हुआ ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। जर्मेन थॉमस 5 मैच 7 ओवर में 3 विकेट, रिशन एलन को इग्नोर करेंगे, मार्शल को इग्नोर करेंगे। वर्गो 4 मैच में 14 ओवर डालते हुए 5 विकेट निकाला, डोमेस्टिक T20 में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर। शेन मॉरिस कोल 3 मैच 8 ओवर में 5 विकेट है, डिसेंट ऑप्शन रहेंगे। जमैन मॉर्गन 8 मैच T10 में 4 ओवर 1 विकेट है, दोस्तों क्या है 8 मैच में 4 ओवर डाला है, मतलब ये बंदा खेलता है तो बॉलिंग डाल सकता है। इससे लास्ट सीजन T10 में इन्होंने बॉलिंग किया था, तो प्रोबेबली अगर खेलता है तो बॉलिंग डालना चाहिए। शेल्डन प्राइस डोमेस्टिक में 3 मैच 7 ओवर में 6 विकेट निकाला, डोमेस्टिक में बहुत अच्छा खेला शेल्डन प्राइस, जरूर ट्राई कर सकते हो। मिडलेक्स टाइटन से अगर देखोगे ना, डेविस आपको ओपन करते हुए दिखेगा एल्बर्ट गोपी के साथ, एंथोनी ब्राउन आएंगे, फिर रेनल्ड इंग्राम ऐसा कुछ होगा। देखो ऐसा नहीं है कि इनका बैटिंग ऑर्डर बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट इनका बॉलिंग देखोगे ना बहुत ज़्यादा मुझे तगड़ा लग रहा है। इनके पास कौन है, सेंटो की है। लास्ट मैच में मैंने ना लेमन को कैप्टन ट्राई किया था और इसने 4 विकेट निकाला था, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स मेरा पसंदीदा प्लेयर। जेमी मार्चेंट 1 ओवर 1 मैच 13 रन पे 1 विकेट था, सेंटोकी ने 2-12-1-2-14-0, चार्ल्टन ब्रुक्स और दोस्तों एंडल गॉर्डन का 2-13-1। अब यहाँ पे मैं मानता हूँ, देखो अगर ये टीम बॉलिंग फर्स्ट करता है पांचों बॉलर को रखो, ये टीम अगर बॉलिंग सेकेंड करता है उस कंडीशन में जेमी मार्चेंट इंपॉर्टेंट है, कैबीसी पिक भी रहेगा क्योंकि ये बैटिंग से भी हिटिंग कर सकते हैं प्लस बॉलिंग कराएगा। लेमंट आपके लिए मस्ट पिक रहेगा, संटोकी को रखोगे, इन दोनों के साथ रिस्क लेना पड़ेगा ड्रॉप रोटेट करने का, शायद कोई इनको नहीं रखेगा। बट अगर इनका बॉलिंग फर्स्ट होता है, मतलब ये टीम का बॉलिंग फर्स्ट होता है, मैं मानता हूँ ये बंदा ना आपके लिए अच्छा डिफेंशियल पिक है क्योंकि कोई नहीं लेने वाला, 2-14-0 है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकता है। अपनी बॉलिंग संटोकी लेमंट गॉर्डन डेथ में कराएगा, ब्रुक्स गोपी और संटोकी करते हुए दिखेगा। ये सीरीज से पहले के रिकॉर्ड्स है, रिव्यू कर सकते हो। विकी में कुछ खास चॉइस नहीं है एक्सेप्ट दोस्तों वैन डेविस ओपनिंग करेगा प्लस विकी करेगा, मैं इसको ही रखूंगा। लास्ट सीजन 160 रन था 10 मैच में, 16 का एवरेज है। क्रिशम का कुछ ऐसा 4-11-5, आर इंग्राम का कुछ ऐसा है दोस्तों। डेमियन ब्राइस मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, 42-21 डू नॉट बैट, 4 डू नॉट बैट डेमियन ब्राइस, अच्छा परफॉर्मेंस था। सरप्राइजिंगली लास्ट मैच में बैटिंग नीचे ही किया था, जो बैटिंग है बेसिकली मिडल ऑर्डर ही करते हैं, बट मेरे हिसाब से इनको टॉप में आना चाहिए, इनको जी रे को इनका ओपोनेंट्स है। शेल्डन एलन इनका रिकॉर्ड इतना अच्छा है T10 में, 7 मैच में 20 का एवरेज 119, इनको भी टीम ने बॉलिंग नहीं बैटिंग नहीं कराया, 25-7-33-36, बट हाँ एक चीज़ तो सही है, एटलीस्ट इस टीम के पास बैटर्स तो है ना कंपेयर टू इनके ओपोनेंट। एंड एंथोनी ब्राउन कुछ खास मुझे लगा नहीं, ओशन वाल्टर्स अगर खेलता है तो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हुए दिखेगा, पार्ट टाइम बॉलिंग 7 मैच 16 का एवरेज 96 रन। एल्बर्ट गोपी 6 मैच में लास्ट सीजन 26 रन बनाया 1 ओवर 1 विकेट, करंट सीजन में पहले मैच में 1 ओवर में 1 विकेट भी निकाल गया और ओपनिंग भी आ गया, तो क्या ये हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बट इनके ऑन पेपर रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है, बट अभी सिचुएशन बोल रहा है कि इनको ट्राई कर सकते हो, कैप बिसी मत लेना। केक संटोकी सबको पता है दोस्तों, CPL खेलते हैं, CPL स्टार है, अच्छा खासा प्लेयर है, स्लॉट वन अच्छा है दोस्तों, मेरे हिसाब से सेफ प्लेयर है, रखो टीम में, कैप भी सी मत बनाओ बट टीम में रख सकते हो। सी लेमंट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स लिस्ट ए खेल के आ रहा है जमैका के लिए, इसीलिए मैंने लास्ट मैच में इनको कैप्टन बनाया था और इन्होंने ना हम लोग को विन भी कराया था। कौन, सी लेमंट। क्रिस्टोफर पावल 8 T10 मैच में 15 ओवर 6 विकेट, दोस्तों बॉल फर्स्ट और बॉल सेकंड बोथ कंडीशन मेरे हिसाब से अगर खेलता है तो इंपॉर्टेंट पिक रहेगा। यहाँ पे अगर आओगे तो चार्ल्टन ब्रुक्स लास्ट मैच में विकेट लेस थे, क्रिस्टोफर पावल नहीं खेला था, अगर खेलता है तो जरूर ट्राई कर सकते हो दोस्तों। एंडल गॉर्डन ने लास्ट सीजन 9 मैच 18 ओवर में 11 विकेट, अच्छा खासा परफॉर्मर है, और एंडल गॉर्डन देखोगे तो एक ही विकेट निकाला है बट प्लेयर सॉलिड है, मेरे हिसाब से बॉल फर्स्ट और बॉल सेकंड बोथ कंडीशन रख सकते हो। जेमी मार्चन ये लिस्ट ए खेल के आ रहा है, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा दोस्तों, 10 मैच में 18 ओवर में 4 विकेट निकाला, जरूर ट्राई करना एज सेफ प्लेयर। चलते हैं दोस्तों सीधा हमारे ड्रीम इलेवन टीम में, गाइस फिलहाल ये रहेगा मेरा ड्रीम इलेवन टीम, जहाँ पे मैंने दोस्तों कैप्टन बना के रखा है डी सुहेल जो ऑलराउंडर है। देखो इनका बॉलिंग फर्स्ट होता है सुहेल बेटर कैप्टन है, इनका बॉलिंग फर्स्ट होता है तो लेमन कैप्टन हो जाएंगे बेटर, ये वाइस कैप्टन हो जाएगा मेरे हिसाब से क्योंकि सेकंड इनिंग्स में ये विकेटलेस भी जा सकता है। इस टीम के पास ना बैटर्स है, फिलहाल मैंने डी ब्राइस को लिया, बैटिंग सेकंड होता है लेने का कोई जरूरत नहीं है। ए गोपी फिलहाल मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, टीम में रखना पड़ेगा, ओपनिंग आ रही है, संटोकी है, गॉर्डन है, जे मार्चन है, डी ब्राइस की जगह ना मैं रिस्क लूंगा। कौन सा रिस्क लूंगा, मैं ना एक और बॉलर के बारे में बताया ना जिसने विकेटलेस था उसको ट्राई करना हो, क्योंकि इस टीम में ना इस मैच में और इस टूर्नामेंट में बोल सकते हो अब तक बहुत ज़्यादा विकेट गिर रहा है, मैं टूर्नामेंट जैसे चल रहा है वैसे ही जाऊंगा, खास करके स्मॉल लीग में, ग्रैंड लीग में अलग मैं करने का ट्राई करूंगा, बट सेकेंड इनिंग्स बैटिंग में ब्राइस जो बैटिंग ऑर्डर है इनका लेने का कोई रीज़न नहीं है। फर्स्ट इनिंग्स में भी ड्रॉप करके ना इनसे अगर कोई ओपनर खेलता है कोई और तो एटलीस्ट या फिर जो भी ओपनर खेल रहा है ट्राई कर सकते हो, अगर ये टीम बॉलिंग फर्स्ट कर लेता है ना मैं मानता हूँ ब्राइस की जगह एक्स्ट्रा बॉलर ले लो इनका।
ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि इनका विकेट लॉस नहीं होगा, इनका टीम बेटर है कंपेयर टू इनका ओपोनेंट, बट डेफिनेटली इनका भी विकेट लॉस होने वाला है दोस्तों, क्योंकि दोनों टीम का बैटिंग मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा है, बहुत ही वीक है बैटिंग, बॉलिंग स्ट्रांग है दोनों का, और दोस्तों इनका तो बॉलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। फिलहाल गाइस ये रहेगा मेरा कवरेज, बट डेफिनेटली ये मेरा फाइनल अपडेट नहीं है, क्योंकि जो मेरा फाइनल अपडेट होगा, जो दोस्तों मेरा डेमो टीम होंगे वो शेयर करूंगा आपके साथ टेलीग्राम चैनल। गाइस आपको जो नया टेलीग्राम जिसका लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस, मिलते हैं मैच टाइम पर।